इक्विरिस की अनीता रंगन का मानना है कि सितंबर के बाद आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर लगाम लगा सकता है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही में जीडीपी के उम्मीद से कम रहने, दिसंबर तक महंगाई के 6% के करीब आने की संभावना और आगे के ग्लोबल पॉलिसी एक्शन को देखते हुए आरबीआई सितंबर के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विराम लगाता नजर आ सकता है। तेल की कीमतों की बात करें तो उन्होंने कहा कि आगे हमें दुनिया में जारी जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता नजर आ सकता है, लेकिन रूस द्वारा एनर्जी सप्लाई में आई कमी का प्रभाव हमें लंबे समय तक दिखेगा। इसका मतलब ये है कि यूरोपियाई देशों में कम हुई एनर्जी सप्लाई की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती कायम रहेगी और ये हमें $90 प्रति बैरल के नीचे आता नहीं दिखेगा। मनी कंट्रोल से हुई बातचीत में अनीता रंगन ने देश की इकोनॉमी और बाजार पर लंबी बातचीत की। अपनी इस बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को रूस से मिले सस्ते कच्चे तेल का फायदा मिलेगा, ऐसे में देश में एनर्जी इन्फ्लेशन वैसा ही रहेगा जैसे दुनिया के दूसरे देशों में रहने की संभावना है। घरेलू बाजार और इकोनॉमी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए चुनौती बने तमाम कारणों का भारत की ग्रोथ स्टोरी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में घरेलू खपत का स्तर काफी मजबूत है, इसके अलावा इस साल के अंत तक भारत में महंगाई स्तर और कम होने की संभावना है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में आई बढ़त के खिलाफ देश का कृषि उत्पादन एक बड़े सपोर्ट का काम करेगा। इसके अलावा दुनिया के दूसरे सेंट्रल बैंकों की तुलना में भारत का आरबीआई मौद्रिक नीतियों को लेकर तुलनात्मक रूप से नरम है। इसके अलावा देश की इकोनॉमी में रिकवरी भी देखने को मिल रही है, भले ही ये धीमे स्तर पर है, ये सारी चीजें हमारे पक्ष में काम करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें उन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए जो घरेलू खपत और घरेलू निवेश पर निर्भर करते हैं। देश में सरकार की तरफ से बड़े निवेश होते नजर आ रहे हैं, इसके अलावा दूसरी कंपनियां भी अपनी क्षमता के विस्तार के लिए निवेश करती नजर आ सकती हैं। इससे संकेत मिलता है कि आगे वर्किंग कैपिटल की जबरदस्त मांग देखने को मिलेगी और इकोनॉमी में मांग स्थिति में सुधार आता दिखेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।